हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आफ्टर वन किस का दूसरा पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जान जब एक अंधेरे लंबे रास्ते पर था तो उसने देखा वहाँ रोशनी बहुत कम थी। जान ने रोशनी करने के लिए अपने पास रखी टॉर्च को जलाने के लिए निकाला, मगर उस टॉर्च में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। जान उस दिन को कोसने लगा जिस दिन उसने वह टॉर्च खरीदी थी। जान मॉल में अपनी गर्लफ्रेंड यू के साथ था, जो जान से कह रही थी तुम मुझे कभी भी डिनर कराने के लिए नहीं लेकर जाते। जान ने यू को समझाने की कोशिश की, मुझे अभी एक अच्छी टॉर्च की ज़रूरत है। इसलिए जान ने एक अच्छी महंगी टॉर्च खरीदनी चाहिए, मगर यू ने मॉल में ही सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया से सभी सेल्समैन और ग्राहक उन दोनों की तरफ देखने लगे। यू एक मॉडल थी, इस कारण ज़्यादा लोगों का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम कम से कम एक महीने में एक बार तो मुझे रेस्टोरेंट ले जा सकते हो। इससे पहले यू कुछ और ड्रामा क्रिएट करे, जान ने एक सस्ता सा टॉर्च खरीदा और अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का फैसला किया, जबकि वह जानता था कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद उसके पास पूरे महीने खाना खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। जान यह सब सोच ही रहा था तभी उसे महसूस हुआ जो व्यक्ति जान का पीछा कर रहा था वह उसके पास आने लगा है। जान सोच रहा था कि अगर तुम मुझे लूटना चाहते हो तो आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पास मेरी कलाई में बंधी घड़ी के सिवा कुछ नहीं है। एक फ़ोन है, वह भी पुराना। उसके बाद मेरे पास केवल मेरा ये शरीर है और मुझे नहीं लगता वह व्यक्ति मेरे शरीर के पीछे है। कम से कम मुझे तो यही उम्मीद है। जान जब दूसरी गली में घूमा तो उसने देखा गली में जल रही तीन लालटेन में से एक ही ठीक से काम कर रही थी। जान ने फिर से अपनी वही पुरानी टॉर्च निकाली और जलाई, लेकिन वह जानता था कि यह टॉर्च उसे आधे रास्ते में ही धोखा देने वाली है। और उसके पास जान सोच रहा था जल्दी में कैप और दस्ताने भी लाना भूल गया, जहाँ सब सर्दी में अपने गर्म बिस्तर पर सो रहे हैं, मैं यहाँ ठंडी में काम कर रहा हूँ। मुझे यकीन है इतनी सर्दी में मेरा पीछा करने वाला भी कहीं मैं ठंड में जम ना जाऊँ यह सोचकर मेरा पीछा करना छोड़ देगा। उस गली में 20 प्रवेश द्वार थे जहाँ जान को न्यूज़पेपर और ब्रोशर डिलीवर करना था। शायद इस रात में मेरे बैड लक ने मुझे ढूंढ लिया है, आज मेरे पास मेरी डिलीवरी वैन भी नहीं है और मुझे इस भारी गाड़ी को खींचना पड़ रहा है। मेरी टॉर्च ने भी जलना बंद कर दिया है और मेरे फ़ोन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और फिर यह अजनबी आदमी जिसे मैं देख और सुन पा रहा हूँ, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, सर पर काली टोपी है और मुंह पर काला कपड़ा, यह आदमी मुझसे क्या चाहता है? मैं ये बैन छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा किया तो मुझे इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और मुझे इस वक्त पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर मैंने ऐसा किया तो वह व्यक्ति मेरा पीछा करेगा और मेरे घर तक जाने का रास्ता बहुत दूर है और छिपने के लिए कोई जगह भी नहीं है। जान ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे उसने उस लड़के को देखा ही नहीं, वह नॉर्मली अपना काम करने लगा और ख़ुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि शायद यह व्यक्ति मेरे बॉस का भेजा हुआ है जो यह जांचने के लिए आया होगा कि मैं सही से काम कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि पिछले महीने ही एक कर्मचारी मुफ्त के अखबार डिलीवर करता हुआ पकड़ा गया था। शायद उसे नहीं पता था कि लोग प्रशासक को फ़ोन करके बताते हैं अगर उसे न्यूज़पेपर और ब्रोशर नहीं मिले तो। जान प्रवेश नंबर 11 पर था, वह घबराहट में गाना गुनगुनाने लगा जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, मगर वह फिर से यह सोचकर बेचैन हो गया अगर यह बॉस का भेजा हुआ व्यक्ति नहीं हो तो वह कितना खतरनाक और डरावना हो सकता है। यह सब कुछ मुझे एक स्कूल में घटी घटना की याद दिला रहा है। सभी स्टूडेंट वीकेंड में अपने घर जाने वाले थे, मिडनाइट का समय था, अचानक तेज आंधी आने लगी और बिजली चली गई। हमारे घर वाले टॉर्च लेकर सभी कमरों में जांच करने लगे कि सभी बच्चे कमरे में हैं या नहीं। तभी एक अलार्म बजा और सभी बच्चों को पार्किंग में जाना पड़ा जहाँ बहुत अंधेरा था, कुत्ते और बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ें आ रही थी, चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एक लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आई, शायद वह किसी चीज़ से डर गया था
और अगले ही पल मुझे किसी ने पीछे से गले लगा लिया, मेरी नेक पर किस किया, मगर जब तक मैंने देखा वह गायब हो गया। और आज भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो कांप जाता हूँ। मुझे आज भी नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन था, मुझे किसने गले लगाया था, मेरी नेक पर किसने किस किया था, लेकिन मुझे लगता है वह मेरा रूममेट होगा। वह हमेशा मुझ पर जोक बनाया करता था। अब मैं प्रवेश द्वार ठाटी पर हूँ और धीरे धीरे जल रही लैंप के पास जा रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला, मगर मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए खुद को सेफ महसूस कर रहा हूँ। मैं न्यूज़पेपर और ब्रोशर मेल बॉक्स में डाल रहा था और धीरे धीरे गाना गुनगुना रहा था, मगर जैसे ही मैं मुड़ा तो जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ गया। व्हाट द हेल, ओ शिट, तुमने मुझे डरा ही दिया, लगभग मैं चिल्लाता हुआ उस पर बोला। क्या आपको इतनी रात में अकेले घूमते डर नहीं लगता? यह इस तरह पड़ोस में घूमना कितना खतरनाक है। क्या आपको डर नहीं लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है? उस अजनबी ने जान से पूछा। पीछा? हाँ, तुम्हारा मतलब जैसे तुम मेरा पीछा कर रहे थे? कर रहे थे ना, जान ने सिंसेरिटी से पूछा। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था, केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए। रक्षा? किससे? तुम जैसे लोगों से जो सोचते हैं इस तरह पीछा करने से मैं सुरक्षित महसूस करूँगा? मैं नहीं जानता वह अजनबी कौन है, कैसा दिखता है। अगर मेरे पास रोशनी होती तो मैं उसकी आंखों से ज़्यादा उसे देख पाता। तभी मैंने महसूस किया उस अजनबी ने मेरे हाथ को छुआ। जान ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं, आप दस्ताने या स्कार्फ क्यों नहीं पहनते, उस अजनबी ने जान से पूछा। जान सच में सुन पा रहा था कि उसकी आवाज़ में उसके लिए परवाह थी। क्योंकि मैं घर भूल गया, बिल्कुल बॉब द बिल्डर की बैटरी की तरह, जान शांति से जवाब देता है। अजनबी की बातों ने जान को भी सर्दी याद दिला दी थी, उसे भी सर्दी याद आने लगी। बॉब द बिल्डर, वॉट? अजनबी ने पूछा और अपनी पीठ पे लटका बैग उतारने लगा। जान उसे देखे बिना इधर उधर देखने लगा। यहाँ आओ, अजनबी ने जान को देखा और कहा। लेकिन जान बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। अब वह अजनबी जान की तरफ बढ़ा। जान सोच रहा था, क्या यह उसके जीवन का आखिरी क्षण है? वह अजनबी जान के इतने करीब था कि जान उसके शरीर की गर्मी महसूस कर पा रहा था। उसने कुछ तैयार किया और ऊपर की तरफ उठाया। उसके हाथ ऐसा कुछ कर रहे थे जिसे जान समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जान ने महसूस किया कि उस अजनबी ने एक स्कार्फ उसके ऊपर डाल दिया। मैं जानता हूँ आप अपनी उंगलियाँ नहीं खोलेंगे। उसने एक टोपी निकाली और जान के सर पर उड़ा दी। इतने अंधेरे में भी कोई इतना अच्छा कैसे दिख सकता है, जान सोच रहा था। धन्यवाद, यदि आप मुझे अपना पता बता दें तो मैं ये सब आपके घर भिजवा दूंगा, जान ने कहा। लेकिन अजनबी ने केवल हाँ में अपना सिर हिलाया और जान की ठंडी उंगलियां सहलाता रहा। यह मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज आप दस्ताने पहन लें, मैं नहीं चाहता कि आप ठंड में जम जाएं, अजनबी ने कहा। जान हैरान था, यह आदमी कौन है और यह सब मुझे क्यों दे रहा है? आखिरकार जान ने पूछ लिया, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? अजनबी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है, मैं नहीं चाहता कि आप ठंड में जम जाएं, आपके कोमल हाथ ठंड से लाल पड़ जाएं, मैं नहीं चाहता। इसके अलावा आपको केयरफुल होना चाहिए कि आपको सर्दी ना लगे, वह अजनबी यह सब बोल रहा था और अभी भी जान की उंगलियां सहला रहा था। मैं जानता हूँ ये कोई पागल है, लेकिन अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।